मनु भंडारी द्वारा लिखित उपन्यास आपका बंटी का भाग 11 है। कोठी इस तरह चमचमा रही है जैसे कल ही बनी हो। बंटी के मन में हल्की सी तस्वीर है इस कोठी की, जब उसने पहली बार इसे देखा था, धूल भरी मटमैली सी। अब तो जैसे यह पहचानने में ही नहीं आती, कैसे बदल जाती है चीजें इस तरह। एकाएक ही आंखों के सामने अभी अभी छोड़ा हुआ अपना घर घूम गया, जो कार चलने के साथ साथ उसके साथ साथ दौड़ पड़ा था, पर जैसे यहां तक दौड़ नहीं सका। घर बगीचा हाथ जोड़े हुए हीरालाल और माली, हांफते कांपते सब बीच में ही छूट गया। वह मम्मी के साथ अकेला ही आया है इस घर में पहली बार। मम्मी ने कई बार कहा था, कहा ही नहीं आग्रह किया था कि चल बेटा, तुझे जोत ने बुलाया है या कि डॉक्टर साहब ने खासकर तुझे आने के लिए कहा है, पर वह कभी नहीं आया। कभी कभी जिद ही करनी लगती तो फूफी का आ जाती थी बचाव करने के लिए। अरे आप काहे जोर जबरदस्ती करती हैं, बच्चे का मन नहीं है तो कैसे जाएगा। आज उसे किसी ने नहीं बुलाया है शायद, मम्मी ने भी आग्रह नहीं किया, फिर भी वह आया है। जब तक उसका अपना घर था फूफी और सामान के साथ, तब तक वह विरोध कर सकता था, पर उन खाली दीवारों के बीच इस बार तो उसे आना ही था। पोर्टिको में ही सब लोग खड़े हैं, डॉक्टर साहब, जोत और अम्मी, नए नए कपड़ों में लिपटे, हंसते खिलखिलाते चेहरे लिए। हेलो बंटी, एकदम उमंग कर डॉक्टर साहब ने बंटी को गोद में उठा लिया और दोनों गालों पर किस्सू दिए। बंटी ने विरोध नहीं किया और फिर धीरे से नीचे उतर गया। तुम लेने नहीं आए, खाली गाड़ी भेज दी, मम्मी ने इसे ढंग से कहा, जैसे वह कभी कभी मम्मी से कहता था और मम्मी कहती थी क्या ठुनकता रहता है सारे दिन, इतनी बड़ी होकर भी मम्मी ठुनकती है। मैं आ जाता तो फिर यहां स्वागत कौन करता तुम्हारा। और डॉक्टर साहब ने मम्मी को बाह में भरकर भीतर ढेलते हुए कहा, आज तुम पूरे 10 दिन बाद आई हो इस घर में और इन 10 दिनों में मैंने चेहरा बदल दिया है इस घर का। डॉक्टर साहब का मम्मी के कंधे पर हाथ रखना या मम्मी को बाह में समेट लेना कई बार देख चुका हूं, फिर भी जाने क्या है कि जब भी देखता है एक नए सिरे से एक क्षण को मन में कुछ हो जाता है। वह मम्मी पर से नजर हटा लेना चाहता है और बाहों में सिमटी मम्मी को लगातार देखते रहना भी चाहता है। मम्मी इस तरह चल रही है इस घर में जैसे यहां सब कुछ बहुत जाना पहचाना हो। उसे तो यहां कुछ भी नहीं मालूम, जिधर जोत ले जाती उधर ही चला जाता है उसके साथ साथ, बल्कि उसके पीछे पीछे। यह तो कॉलेज का घर था बेटा, वहां अपना घर होगा, अपने लोग होंगे और अपने लोगों के बीच भी सहमी सहमी और अपरिचित सी नजरों से देख रहा है बंटी अपने घर को, उससे परिचित होने के लिए, उसे अपना बनाने के लिए। रंग रोगन की गंध घर के इस छोर से उस छोर तक फैली हुई है, साथ ही एक और भी गंध है जिसे वह केवल सूंघ रहा है पर समझ नहीं पा रहा है। बड़ा सा बेडरूम, हल्की नीली दीवारों पर गहरे नीले पर्दे और सलेटी रंग का कारपेट, खूब गुदगुदा सा, दो नई नई चमकती हुई अलमारियां। बंटी ने एक बार आंख खोलकर उन पर हाथ फेर, एकदम चिकनी उंगली रखते ही जैसे फिसल गई और एक हल्का सा निशान बन गया। बंटी ने देखा, कोई देख तो नहीं रहा। कमरे के बीच में दीवार के सहारे दो पलंग, दोनों के सहारे पलंग के साथ ही लैंप लगा हुआ है। बंटी का मन हुआ जला कर देखे रोशनी कहां आकर गिरती है। उसने मन ही मन सोचा वह इधर की तरफ सोएगा और मम्मी उधर, जब तक नींद न आ जाए पढ़ते रहे और फिर लेटे लेटे ही खट से बत्ती बुझाओ और सो जाओ। दूसरी ओर ड्रेसिंग टेबल रखी थी और मम्मी की ड्रेसिंग टेबल से चौकनी शीशियां, यह सब किसने जमाया होगा। एकाएक बंटी का निगाह मम्मी की उसी जादुई शीशी को ढूंढने लगी। नहीं, वह वहां नहीं थी। उसे जैसे हल्की सी राहत मिली। कमरे के एक सिरे पर आकर बंटी ने एक साथ पूरा कमरा देखा तो आंखों के सामने रंगीन तस्वीर वाली उन मोटी मोटी किताबों वाला कमरा उभर आया। डॉक्टर साहब ने सचमुच उनके लिए बिल्कुल वैसा ही कमरा बनवा दिया है। एक क्षण को जैसे अपना घर छोड़ने का अवसाद धुंधला हो गया। कभी अपने दोस्तों को लाकर दिखाएगा, टीटू की अम्मा आकर देखे कैसे हंसती थी, अब हंसे आकर, कभी देखा भी नहीं होगा ऐसा कमरा। बंटी तुम्हें कैसा लगा कमरा बताओ तो, पसंद आया, डॉक्टर साहब ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर पूछा तो बंटी जैसे पुलक कर मुस्कुरा दिया, अच्छा लगा। बंटी को डॉक्टर साहब भी अच्छे लगे। जोत और अम्मी दौड़े दौड़े आए, पापा चलिए नाश्ता तैयार है। बड़ी सी मेज पर ढेर सारी खाने की चीजें फैली पड़ी है। बंटी को शादी वाले दिन
शादी जैसा कुछ नहीं लगा था, पर आज जरूर शादी जैसा लग रहा है। एकाएक जोत अम्मी के नए नए कपड़ों के मुकाबले में उसे अपनी हल्की सी मैली हो गई। स्कूल की यूनिफॉर्म बड़ी फीकी फीकी और बेतुकी सी लगी। लगा जैसे वह इन सब के बीच का नहीं, इन सब से अलग है। फूफी तो स्कूल से आते ही सबसे पहले कपड़े बदलवा दिया करती थी। मम्मी को ख्याल भी आया कि यहाँ आने से कम उसके कपड़े तो बदलवा दे। नहीं नहीं सकुन, उस कुर्सी पर नहीं, वह अम्मी की कुर्सी है। इन दोनों की अपनी अपनी कुर्सियाँ तय है, कोई और बैठ जाए तो तूफान मच जाता है। अच्छा तो लो, हम अपनी कुर्सी तय कर लेते हैं। और हंसते हुए मम्मी ने डॉक्टर साहब के सामने वाली कुर्सी खींच ली। बंटी अभी भी खड़ा है। तुम भी अपनी कुर्सी तय कर लो बेटे, बोलो इधर बैठोगे या उधर। सभी की अपनी जगह तय है, अपनी कुर्सियां तय है, बस उसी का कुछ तय नहीं है। जो बचा है उसमें से ही उसे कुछ चुनना होगा। वह चुपचाप जोत के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। मन को कहीं एक अनमना सा भाव छू कर निकल गया। अम्मी और जोत को यह लाओ वह लाओ, ए बंसीलाल इसमें हरी मिर्च क्यों डाली, आज अंगूर क्यों नहीं है मेरे नमकीन बिस्कुट के बीच। बंटी अपनी नजरों में जैसे कहीं से बड़ा बेचारा हो आया, बेचारा और उपेक्षित। डॉक्टर साहब बाहर वालों की तरह उसकी मनुहार कर रहे हैं, यह लो बंटी बेटे, वह लो तुम्हें अच्छा लगेगा, वह बाहर का ही तो है। शर्मा नहीं बंटी, तुझे जो पसंद है ले ले, अपने घर में शर्माते नहीं। मम्मी ऐसे बोल रही है जैसे खुद भी डॉक्टर साहब के ही घर की हो। अब है भी शायद शादी के बाद हो जाते हैं, पर वह कैसे, उसने थोड़े ही शादी की है। और आंखों के सामने फिर अपने घर की तस्वीर उभर आई। मेज पर कभी अकेला और कभी मम्मी के साथ बैठा हुआ बंटी और डांट डांट कर खिलाने वाली फूफी। एलो हो गया तुम्हारा खाना, और यह कौन खाएगा, तुम कैसे नहीं खाओगे बंटी भैया, हम बांस लेकर ठूसेंगे तुम्हारे गले में, समझे, मम्मी के आगे दिखाया करो ये नखरे, बहुत सिर पर चढ़ा रखा है तुमने। और मम्मी मुस्कुराती रहती। एकाएक ही नजर मम्मी की ओर उठ गई। इस समय भी तो मम्मी मुस्कुरा रही है। एक ही आदमी इतनी अलग अलग तरह से मुस्कुरा सकता है। हेलो डॉक्टर, गृह प्रवेश की दावत हो रही है। बंटी एकाएक जैसे चौंक गया। सारे घर को गुंजाता हुआ एक लंबा सा आदमी घुसा। एक अकेला आदमी भी इतना शोर मचा सकता है, लंबा कितना है, गर्दन पूरी तरह ऊंची करके देखने पर ही चेहरा दिखाई दे। आओ आओ वर्मा, बड़े अच्छे समय आए। नमस्कार वर्मा साहब। नमस्ते अंकल। सब लोग तो जानते हैं इस लंबे आदमी को, बस वही नहीं जानता। आज यह खाने की मेज सचमुच खाने की मेज लग रही है। लंबा आदमी मम्मी को कैसे घूर घूर कर देख रहा है। डॉक्टर साहब खीखी करके हंस पड़े और मम्मी गदगद होकर एकदम सुर्ख हो गई। आजकल मम्मी के गाल बात बात पर ऐसे सुर्ख हो जाते हैं मानो गुलाब जुड़े में से न लगाकर गालों पर ही लगा लिए हों। मम्मी ने एक प्लेट लगाकर सामने की तो फिर दहाड़ा, नो नो नो, आई एम फुल मिसेस जोशी, मिसेस जोशी। आजकल बंटी की नजर मम्मी की ओर उठ गई। मम्मी ने कुछ नहीं कहा। अभी तक मम्मी को सब मिसेस बत्रा कहते थे और अब ए बंटी, अब तू जोशी हो गया यार। बंटी जोशी नहीं, अरूप जोशी। धत मैं क्यों हो गया जोशी, मैं अरूप बत्रा हूं, बंटी बत्रा। चल चल डॉक्टर जोशी, तेरे पापा नहीं हो गए अब? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, मेरे पापा अजय बत्रा हैं, कलकत्ते में रहते हैं, अब नहीं रहे वो पापा मिस्टर, मार दूंगा, ज्यादा बकवास की तो, मन हो रहा था धज्जियां बिखेर दे इस कैलाश के बच्चे की। फिर सारे दिन वह कागज पर अरूप बत्रा बंटी बत्रा लिखता रहा था। लंच टाइम में मैदान में बैठा तो उंगली से जमीन पर लिखता रहा बत्रा बत्रा बत्रा। अंकल आप टॉमी को नहीं लाए? हम घर में नहीं आए थे बेटे, सीधे ऑफिस से चले आ रहे हैं, सोचा जरा तुम लोगों के घर की रौनक देख लें। क्यों मिसेज जोशी, बेडरूम पसंद आ गया, आपने अप्रूव किया या नहीं? मम्मी के गाल फिर सुर्ख हो गए। क्या हो जाता है मम्मी को बार बार, ऐसा तो पहले कभी नहीं होता था। वाह, मिसेज वर्मा ने सब अरेंज किया और मुझे पसंद न आए, हम तो सोच रहे थे धन्यवाद देने रात में खुद ही उधर आएंगे। ओह नो नो, यह सब तकल्लुफ बाजी छोड़िए, आज की रात नहीं। फिर एकाएक उनकी नजर बंटी पर जम गई। यह बच्चा, ओह अच्छा अच्छा, क्या नाम है बेटे तुम्हारा, प्यार से बोला, तब भी लगता है जैसे डांट रहा हो, इनके बच्चों को डर नहीं लगता इससे। बंटी ने सीधी नजरों से उसे देखा और बिना झिझक के जवाब दिया, अरूप बत्रा।
बत्रा पर इतना जोर डाला कि उसके सामने अरूप तो जैसे दब ही गया। वाह, बड़ा अच्छा नाम है यह, अरूप और अमित जोड़ी भी खूब रहेगी। फिर मम्मी की ओर देखकर बोला, सीम्स टू बी ए बोल्ड चेप। मम्मी जैसे घूर घूर कर देख रही है, देखे वह क्या डरता है, बत्रा है तो बत्रा ही रहेगा और बत्रा ही कहेगा। मम्मी की तरह नहीं कि झट से जोशी बन गए। खाना पीना खत्म हुआ तो डॉक्टर साहब ने कहा, जोत बंटी बेटे को घुमाकर सब दिखाओ तो, अपनी किताबें, अपने खिलौने, पीछे का सीसा और स्लिप घुमाओ जरा। मम्मी मजे से बैठी है, उन्हें अभी भी ख्याल नहीं आ रहा है कि बंटी के कपड़े बदलवाने हैं। यहां कौन फूफी है जो बदलवा देगी कपड़े, या उसे मालूम है कि कपड़े कहां रखे हैं, जो अपने आप ही जाकर बदल लेगा। बस अपने ही गाल लाल करके मुस्कुरा रही है, जब से जाने क्या है डॉक्टर साहब से या किसी भी अनजान आदमी से, कहने में जितना संकोच होता है मम्मी से कहते हुए भी इस समय उतना ही संकोच हो रहा है। वही कहे कपड़े की बात, मम्मी को अपना आप नहीं सूझ रही है, ये दोनों नए नए कपड़े पहने बैठे हैं। फिर भी मम्मी को ख्याल नहीं आ रहा उस लंबे आदमी ने क्या सोचा होगा कि ऐसे गंदे कपड़े पहनकर ही रहता है यह बच्चा। जाओ बेटे, जोत बुला रही है, मुझे कपड़े दो, कपड़े नहीं बदलूंगा मैं। भरसक रोकने पर भी बंटी का स्वर जैसे भारी हो गया। अरे चल चल, मैं तो भूल ही गई। फिर डॉक्टर की ओर देखकर पूछा, आज जो कपड़ों के बक्से आए वे कहां रखे हैं? एक कमरे में सारा सामान अस्त व्यस्त ढंग से पड़ा है, बंटी के सामान, घर का सामान, बक्से, बिस्तरे, गठरी में बंधी हुई किताबें, टोकरी में रखे हुए बंटी के खिलौने, बंटी की पेंटिंग्स और भी जाने क्या क्या। लगा जैसे उसका सारा घर गठरियों टोकरियों में बांधकर यहां ठूस दिया गया है। मम्मी एक बक्से में से कपड़े निकाल रही है और बंटी उस सामान को देख रहा है। सामान का भी चेहरा होता है क्या? सामान कैसा उदास उदास लग रहा है। बंटी का सिपाही टोकरी के किनारे सिर के बल ठुसा हुआ है। बंटी जल्दी से गया और उसे निकालकर उसने सीधा कर दिया, पर भीतर से सभी कुछ उलट पुलट है। एक बार मन हुआ अपने सारे खिलौने निकालकर ले कपड़े बदल ले और बच्चों के साथ खेल। जोत है, अमी है, पीछे भी बड़ा सा मैदान है, खूब खेलो कूदो दौड़ो भागो। पर बंटी है कि अपनी टोकरी में ही लगा हुआ है, जैसे उसने मम्मी की बात सुनी ही नहीं। कल सब ठीक कर दूंगी बेटे, अभी ऐसे ही रहने दे। बंटी ने पलट कर मम्मी की ओर देखा, लगा जैसे पूछ रहा हो क्या सब ठीक कर दोगी, और उस कमरे से निकला तो एक बार फिर लगा जैसे अपने घर से निकल रहा हो। जोत सब बता रही है, यह जो नीम का पेड़ है ना बंटी, यह जिस दिन पापा पैदा हुए थे उस दिन लगवाया था बाबा ने। पापा के जन्मदिन पर इसकी पूजा करती थी चाची अम्मा, और एकाएक ही बंटी की आंखों के सामने आम का वह छोटा सा पौधा घूम गया। चाची अम्मा कौन? यह नाम तो बंटी ने कभी नहीं सुना। चाची अम्मा कौन? हमारी चाची अम्मा, अम्मी ने कहा तो जोत हंसने लगी। पापा की चाची जी? अभी तक वह ही तो रहती थी हमारे पास, थोड़े दिन पहले ही तो गई है। और वह जो बड़ा सा जाली का पिंजरा देख रहा है उसमें खरगोश पाले थे बंसीलाल ने, पर एक बार जाने कैसे बिल्ली घुस गई और सब सफाचट। बिल्ली नहीं बंटी भैया, बिलाव, ये मोटी झबरी पूंछ, देख लो तो डर लग जाए, सारे खरगोश चट कर गया। फिर बंसीलाल का घर, इमली का पेड़, जहां दोनों बिन बिन कर कच्ची इमली खाते हैं, बड़ी स्वाद है इस पेड़ की इमलियां। जोत और अम्मी बताए चले जा रहे हैं और बंटी केवल सुन रहा है, सुनने के सिवाय वह कर ही क्या सकता है, बताने के लिए है ही क्या उसके पास। बंटी अपने घर में घूम रहा है, पर अपने घर जैसा कुछ भी तो नहीं लग रहा उसे। सर्दी के दिनों में सांझ से ही तो चारों ओर अंधेरा घुसने लगता है, और जैसे जैसे अंधेरा घुलता जा रहा है सब कुछ और ज्यादा ज्यादा अपरिचित होता जा रहा है। यहाँ तो आसमान भी पहचाना हुआ नहीं लगता, हवा भी पहचानी हुई नहीं लगती। अपने घर का आसमान और अपने घर की हवा कहीं ऐसी होती है। मम्मी डॉक्टर साहब के साथ बाहर गई है और वह कमरे में अकेला बैठा है, चारों ओर बत्तियां जगमगा रही है, फिर भी बंटी के मन में न जाने कैसा डर समा रहा है। रात में वह कभी घर में बाहर नहीं सोया, अब कैसे सोएगा यहां, और आंखों के सामने वही नीले पर्दे वाला कमरा घूम गया। फिर भी डर है कि बढ़ता ही जा रहा है, अपने घर से आया है तब से अब तक यही लग रहा था कि वह केवल यहां आया है, तभी शायद उस समय उसे उतनी घबराहट नहीं हो रही थी। पर अब जैसे जैसे रात बीतती जा रही है, यह एहसास कि वह केवल आया ही नहीं है, उसे यहां रहना भी है,
केवल आज ही नहीं, हर दिन हर रात, और इस बात के साथ ही मन है कि जैसे डूबता चला जा रहा है। कैसे रहेगा वह इस घर में? यह उसका घर बिल्कुल नहीं है, यह डॉक्टर साहब का घर है, जोत और अमी का घर है। यह किसी के घर में क्यों रहेगा? अपने घर जाएगा, अपने ही घर में सोएगा। अपने घर में उसे कभी डर नहीं लगता था। मम्मी बाहर चली जाती थी तब भी नहीं, एकदम अंधेरा हो तब भी नहीं। न हो मम्मी न हो रोशनी, पर घर तो उसका अपना था, फूफी तो उसकी अपनी थी। अंधेरे में ही वह अकेला सारे घर का चक्कर लगा कर आ सकता था। यहां तो न घर उसका है न घर वाले उसके हैं। मम्मी के कहने से क्या होता है, क्या वह जानता नहीं? और जब कुछ भी उसका नहीं है तो डरेगा नहीं वह? लाख रोकने पर भी आंखें हैं कि छल छल हो रही हैं। अरे बंटी, तू यहां बैठा है, कपड़े नहीं बदले? मम्मी तेरे कपड़े पलंग पर रख गई है। जोत पहले तो मम्मी को आंटी जी कहती थी, अब मम्मी क्यों कहने लगी? सर्दी रे। दोनों बाहों को कसकर छाती से चिपकाए अमी पंजों के बल उछलता हुआ आया और बिस्तर में दुबक कर रजाई ओढ़ ली। बंटी ने बाथरूम में जाकर मुंह धो लिया। पता नहीं क्या है, वह कहीं भी जाए उसका अपना घर साथ साथ चलता है। बाथरूम, बाल्टी, नल, आंख मिच कर भी अपने घर में जिस तरह चल सकता था, यहां आंख खोल कर भी उस तरह नहीं चल पा रहा है। चल अब अपनी अपनी रजाइयों में घुस कर कहानी सुनेंगे। मम्मी बता रही थी कि तुझे खूब खूब कहानियां आती है। मैं भी कहानी सुनूंगा बंटी भैया, राजा रानी वाली, परियों वाली। पर बंटी ने बिस्तर में लेटा, न रजाई ओढ़ी और न ही उसने कहानी सुनाई। बस कंबल लपेट कर बैठे बैठे मम्मी की राह देखता रहा। अम्मी तो लेटते ही सो गया। जोत उससे स्कूल की बातें पूछती रही, चुटकुले सुनाती रही। स्कूल की बातों पर वह चुप रहा और चुटकुलों पर वह रोता रहा। थोड़ी देर में जोत भी लुढ़क गई। बंटी है कि न उसे सोते बन रहा है न जागते, बस रह रह कर आंखें छल छल आती हैं। मम्मी के आते ही वह छिटक कर पलंग के नीचे उतर आया। अरे तू सोया नहीं बंटी बेटा? और यह क्या, कुछ भी गर्म नहीं पहन रखा और बिस्तर में से निकल आया, सर्दी नहीं लग जाएगी? बंटी दौड़कर मम्मी के पैरों से लिपट गया। मैं अकेला कैसे सोता, मुझे डर नहीं लगता? उंगली में गाड़ी की चाबी नचाते हुए डॉक्टर साहब आए। अरे तुम सोए नहीं बंटी बेटे, तुम चलो। और मम्मी उसे अपने से चिपकाए चिपकाए ही कमरे में ले आई। डर क्यों लगता है, जोत और अम्मी नहीं सो रहे यहां? देख अम्मी तो तुझसे भी छोटा है, उसे डर नहीं लगता और तुझे डर लगता है? मम्मी ने पूरे जुड़े में माला लपेट रखी है। उस सुगंध है कि केवल माला में से ही नहीं पूरे शरीर में से फूट पड़ी है। मम्मी गई थी तो दूसरी तरह की थी और अब लौटी है तो एकदम ही दूसरी तरह की हो गई है। तू तो बहुत पगला है रे बेटे, सबके बीच में भी डरता है। पर उस कमरे में तो कोई नहीं था, मैं कैसे सोता? अकेले मुझे डर नहीं लगता वहां। ओह, मम्मी एक क्षण रुकी, फिर उसकी पीठ सहलाती हुई बोली, नहीं बेटा, बच्चे लोगों का तो यही कमरा है, बच्चे लोग सब एक साथ सोएंगे। देखो ये लोग भी तो सो रहे हैं यहां, चल मैं तुझे सुलाती हूं। और मम्मी ने बहुत प्यार से पकड़कर उसे पलंग पर लिटा दिया। रजाई उढ़ाई और उसके सिरहाने बैठकर उसका सिर सहलाने लगी। बंटी की आंखों में इतनी देर से तैयार हुआ वह नीले पर्दों वाला कमरा, जिसमें बंटी ने मन ही मन अपना पलंग भी तैयार कर लिया था, कैसे ढह कर गिर पड़ा। बंटी बेटा, पसंद आया तुम्हें यह कमरा? झूठ झूठ, मन में जैसे एक ज्वार उठ रहा है, दुख का, गुस्से का। मन हो रहा है जाए उस कमरे में और एक एक चीज उठाकर फेंक दे, पर्दे फाड़ डाले, देखे कोई क्या कर देता है उसका। मम्मी ने झुककर उसके गाल को चूमा तो उसने मम्मी का चेहरा झटक दिया। क्यों पागलपन कर रहा है बेटे, देख ये दोनों भी तो हैं। मुझे तंग करने में, सबके बीच शर्मिंदा करने में तुझे खास ही सुख मिलने लगा है आजकल। हाँ मिलता है सुख, जरूर करूंगा शर्मिंदा। तुम नहीं कर रही हो मुझे शर्मिंदा, यहां दूसरों के घर लाकर पटक दिया। अपना घर होगा, कोई नहीं है अपना घर, मैं नहीं रहता किसी के घर। पहले तो कमरा पसंद करो और फिर कितनी बातें हैं जो फूटी पड़ रही हैं। बंटी चाहता है कि सब कह दे, कितने दिन तो हो गए उसने कुछ कहा ही नहीं। आजकल तो वह सिर्फ सुनता है और मान लेता है, पर आज नहीं। लेकिन गला है कि बुरी तरह भिजा हुआ है, लगता है बोलना चाहेगा तो बस केवल हिचकी फूट कर रह जाएगी। नींद नहीं आ रही है बंटी को। क्या बात है बेटे, डॉक्टर साहब तौलिया लटकाए दरवाजे पर खड़े पूछ रहे हैं। अभी सो जाएगा, नई जगह है ना शायद इसलिए। मम्मी शायद उसके जागते रहने की सफाई दे रही है। तुम जाओ, मैं सो जाऊंगा। सधे हुए गले से बंटी ने किसी तरह से शब्द ढेल दिए। ऐसे मत करो बेटे, ऐसा नहीं कर देना, चल सो।
मैं बैठी हूं तेरे पास। मम्मी बैठी बैठी उसका सिर सहलाती रही, धीरे धीरे उसके गाल थप थपाकती रही। बंटी आंखें मूंदे पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद धीरे से मम्मी उठी, एक बार चारों ओर से उसे अच्छी तरह ढका। खटबत्ती बंद हुई तो बंद आंखों में फैला अंधेरा खूब गाढ़ा हो गया। बंटी ने आंखें खोल दी, सारी की सारी मम्मी अंधेरे में डूब गई थी। बस धीरे धीरे दूर होता हुआ उसका जूड़े का गजरा चमक रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर मम्मी ने धीरे से आवाज दी, बंटी बंटी चुप, सो गया, डॉक्टर साहब रात के कपड़े पहन आए थे। मम्मी ने धीरे से कहा और फिर दोनों उसी कमरे में चले गए और एक हल्की सी आवाज हुई, शायद दरवाजा बंद होने की। बंटी को लगा घर से चला था तो बीच रास्ते में आकर उसका अपना घर बगीचा छूट गया था, यहां आकर मम्मी छूट गई। इतनी देर से दबा हुआ एक आवेग था जो दरवाजे के बंद होते ही फूट पड़ा। थोड़ी देर बाद ही अचानक उस कमरे का दरवाजा खुला और डॉक्टर साहब ने निकलकर बाहर के दरामदे की बत्ती बंद कर दी। सारा घर अंधेरे में डूब गया। बंटी के मन का दुख और गुस्सा धीरे धीरे डर में बदलने लगा। केवल डर ही नहीं, एक आतंक, कैसी कैसी शक्लें उभरने लगी उस अंधेरे में। उसने कसकर आंखें मीच ली, पर अजीब बात है कि बंद आंखों के सामने शक्लें और भी साफ हो गई। लपलपाती जीभ के राक्षस, उल्टे पंजे और सिंगों वाला सफेद भूत, तीन आंखों वाली चुड़ैल, जादुई नगरी के नाचते हुए हड्डियों के ढांचे, सब उसके चारों ओर नाच रहे हैं, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उसकी सांस जहां की तहां रुक गई। मम्मी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो मम्मी, सारी ताकत से बंटी चीख रहा है और दोनों हाथों से दरवाजा भड़भड़ा रहा है। दरवाजा खोलो मम्मी, आधी रात के सन्नाटे में बंटी की भिची हुई सी आवाज भी सारे घर में गूंज उठी। खटाक से दरवाजा खुला। कौन? बंटी, क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? सर्दी में अकड़ा हुआ बंटी थर थर कांप रहा है। मम्मी ने जल्दी से उसे गोद में उठाकर छाती से चिपका लिया। बंटी का सारा मुंह आंसू, लार और नाक से सन गया। हिचकियों के मारे सांस नहीं ली जा रही है। मम्मी ने उसके चारों ओर कसकर सॉल लपेट दिया। मैं हूं बेटे। मम्मी क्या हो गया? मैं तेरे पास हूं, क्या बात हो गई? गले तक रजाई ओढ़े ओढ़े ही डॉक्टर साहब ने पूछा। डर गया है शायद, मम्मी ने कहा, पर उनकी आवाज ऐसी सहमी हुई थी जैसे वे खुद डर गई हो। मम्मी उसे वैसे ही छाती से चिपकाए चिपकाए पलंग पर लेट गई। उसकी पीठ सहलाती रही। मैं तेरे पास हूं बेटे, मम्मी तेरे पास है, धीरे धीरे बंटी अपने में लौटने लगा। मम्मी की आवाज ने, मम्मी की बाहों ने उन सबको भगा दिया जिनके बीच बंटी की सांसें रुकी हुई थी। और जब बंटी की हिचकियां थम गई, उसके शरीर से फिर गर्माई आ गई, तो मम्मी ने बंटी को धीरे से पलंग पर सुलाया। क्या हुआ बेटे, डर गया था? तो पहली बार बंटी ने आंखें खोली। उसकी मम्मी उस पर झुकी हुई पूछ रही थी, उसकी अपनी मम्मी। एक बार मन हुआ मम्मी के गले में बाहें डालकर लिपट जाए, पर हाथ जहां के तहां जमे हुए हैं। हाथ ही नहीं, जैसे सारा शरीर जहां का तहां जम गया, केवल आंखें खुली है और वह टुकुर टुकुर देख रहा है मम्मी को, कमरे को, आसपास की चीजों को। हल्की नीली रोशनी में डूबा हुआ कमरा, कमरे की हर चीज। पहले भी कभी इस तरह डर जाया करता था, पता नहीं कहां से आ रहा है। डॉक्टर साहब की आवाज आई, नहीं 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 डरा, शायद नई जगह थी, शायद कोई सपना देख रहा हो, उल्टी सीधी कहानियां जो पढ़ता है दुनिया भर की। मम्मी की आवाज में परेशानी थी, दुख था। पहले जब बंटी दूसरी दुनिया में था तो मम्मी का चेहरा, मम्मी की आवाज बहुत अपनी अपनी लग रही थी। अब वह दूसरी तरफ अपनी दुनिया में लौट आया तो नीली रोशनी में नहाई मम्मी, कमरा, कमरे की हर चीज जैसे दूसरी दुनिया के लगने लगे। दोपहर वाला कमरा जैसे कहीं से बिल्कुल ही बदल गया है, सब कुछ फिर बड़ा जादुई जादुई लगने लगा। फिर मन में डर समाने लगा, अजीब तरह का डर। बंटी ने आंखें मूंद ली, पर दो चार मिनट के लिए देखा हुआ वह नीला रंग आंखों में ही आकर चिपक गया है। नीलम देश, क्या ऐसा ही होता है? थोड़ी देर मम्मी की थपकियां और फिर जैसे कहीं दूर से आती हुई आवाज, पर तुम जब समझते हो, कहते हो, तो मन जरूर थोड़ा हल्का हो जाता है, पर मैं जानती हूं कि यह कुछ नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब की नींद में डूबी हुई आवाज, सो गया, हाँ लगता तो है सो गया, फिर चुप। बंटी का मन हो रहा है आंखें खोल दे, एक बार फिर मम्मी का चेहरा देखकर आश्वस्त हो ले, पर नहीं, नीली रोशनी में डूबी हुई। सुनी, तुम उठकर कपड़े पहन लो, पता नहीं यह सवेरे जल्दी उठ जाए तो बड़ी अजीब स्थिति हो जाएगी। अचानक आंखों के सामने कुछ काला काला तैर गया। मम्मी ने बत्ती बंद कर दी है शायद।
बंटी ने धीरे से आंखें खोलकर देखा, नीली रोशनी गायब हो गई थी। खिड़की से छन कर आती हुई बहुत ही फीकी फीकी रोशनी में फिर सब कुछ पहचाना पहचाना लगने लगा, खासकर मम्मी का चेहरा। कहीं मम्मी उसे जागता हुआ न देख ले। पलंग के एक सिरे से डॉक्टर साहब रजाई उतार कर उठे तो बंटी धम, छी छी यह क्या, इतना बड़ा आदमी एकदम नंग धड़ंग। बंटी की आंखें फटी पड़ रही हैं और मम्मी भी देख रही है, शर्म नहीं आ रही इन लोगों को। उसे जैसे मितली सी आने लगी, पर आंखें हैं कि फिर भी बंद नहीं हो रही। डॉक्टर साहब ने कपड़े पहन लिए, फिर भी जैसे दिमाग में वही सब घूम रहा है। फिर मम्मी धीरे से उतरी और उसी रैक की ओर गई। उन्होंने भी अपना हाउस कोट उतारा तो बंटी भीतर ही भीतर भय से थर थर कांपने लगा। ये उसी की मम्मी है, उसने आज तक कभी अपनी मम्मी को ऐसा नहीं देखा। उसकी मम्मी ऐसी हो ही नहीं सकती, यह क्या हो रहा है, छी छी बेशरम बेशरम। उसका मन रजाई उतार फेंके और जोर से चीखे, पर यह चीख नहीं रहा। मन जाने कैसा कैसा हो रहा है उसका, थ्रिल सी है उसके मन में, जुगुप्सा भी, मम्मी के इस व्यवहार की शर्म भी, गुस्सा भी और जाने क्या क्या। सारे गुस्से नाराजगी और दुख के बावजूद अभी तक मम्मी उसकी मम्मी थी, अब जाने क्या हो गई है, पता नहीं। उसे कुछ भी नाम देना नहीं आ रहा, बस इतना लग रहा है कि अभी तक की मम्मी एकाएक ही जैसे कहीं से टूट फूट गई, चकनाचूर हो गई।